कोई एबसेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना टीचमेंट अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर चाहे जैसी भी जरूरत हो टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मैं रोहन फ्राम टीचम स्टडी प्लेटफॉर्म तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बिहार पोस्टल सर्कल जीडीएस रिजल्ट डेट के बारे में मैं आपको जेनुअन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ बात कर लेंगे यहाँ पर कट ऑफ की तो 2020 में आपका कट ऑफ कितना रहा था ट्वेंटी में आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है अगर आपको टेंथ में इतने परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन है यहाँ पर हंड्रेड परसेंट श्योर है तो चलिए सभी जेन्यून इफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं आपके लिए डेली वैकेंसी अलर्ट डेली गवर्नमेंट वैकेंसी अलर्ट चाहे आप टेंथ लेवल की वैकेंसी की राह देख रहे हो या फिर ट्वेल्थ लेवल की और बात करेंगे आप पर स्टेट लेवल वैकेंसी प्लस यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी मैं आपको डेली अलर्ट करता रहूँगा तो चलिए बिना रिकॉर्ड के यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बिहार पोस्टल और जी डी एस रिजल्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो आप देख सकते हो जैसे कि इवेंट यहाँ पर दे रखे क्लोज कब हुआ था और आपका रिजल्ट कब तो आने वाला है जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखे ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर फोर्थ वीक ऑफ जून आपका रिजल्ट लगने वाला है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपका रिज़ल्ट विथ हंड्रेड परसेंट श्योर sure, मिड जुलाई यानी कि मिड जुलाई में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की तो आपको अगर टेंथ में इतने परसेंटेज आपका सिलेक्शन होने वाला है जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपको कट ऑफ के रिगार्डेड बताने से पहले यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताता हूँ जैसे कि आपकी जो वैकेंसी थी लगभग टू के यानी कि टू थाउजेंड वैकेंसी आपकी रही है इस बार यानी कि वैकेंसी अच्छी खासी थी तो आपका यहाँ पर कट ऑफ कम जाने वाला है तो कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट यहाँ पर दे रखे आपको वह बात पता होगी तो चलिए हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर कट ऑफ के रिगार्डेड तो कट ऑफ आप देख सकते हो ट्वेंटी का कट ऑफ लगभग नाइन्टी प्लस चला गया तो आपका बिहार का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है लेकिन इस बार आपका कट ऑफ आप यहाँ पर कम जाने वाला है लग अगर आपको एटी प्लस है इन टेंथ तो आपका सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट श्योर है आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो आप बिल्कुल मत घबराइए यहाँ पर लगभग फोर्थ आपको पता नहीं होगा लगभग फोर्थ यहाँ पर वेटिंग लिस्ट पब्लिश होती है थ्रू यहाँ पर जी यानी कि थ्रू आर आपके लिए फोर्थ वेटिंग लिस्ट यहाँ पर पब्लिश करता है आपको डायरेक्टली आपके होम टाउन यानी कि आपके होम एड्रेस पर आपका यहाँ पर जॉइनिंग लेटर आ जाता है या फिर आपको थ्रू जी मेल आपको वह पब्लिश आने के आपको बताते हैं तो बात कर लेंगे यहाँ पर बिहार जी डी कट ऑफ मार्क्स ट्वेंटी तो आप देख सकते हो जनरल के लिए यहाँ पर नाइन्टी एट इसीलिए बताया मैंने हाई कट ऑफ क्योंकि अगर आपको इतने परसेंटेज जो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मैं आपको मेरे तरफ से बताता हूँ जनरल के लिए यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है प्लस ओ के लिए यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है प्लस एस के लिए यहाँ पर एटी प्लस और एस के लिए यहाँ पर सेवेंटी प्लस अगर आपको इतने मार्क्स है इन टेंथ तो आपका सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट श्योर है अगर आपको एटी प्लस है तो अच्छी बात है आपका यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आने वाला है ठीक है तो सभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी आपकी वैकेंसी और स्टेट के लेवल में अच्छी खासी वैकेंसी है तो कट ऑफ कम रहने वाला है इस बार तो बात कर लेंगे यहाँ पर कोई भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है तो मैं सबसे पहले आपको अलर्ट कर दूंगा प्लस आपको डेली वैकेंसी मैं प्रोवाइड कराता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बुक्स पी प्लस यहाँ पर नोट्स या फिर आ, आपको मॉक लगाने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम पर विज़िट कर लीजिएगा आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्लस सभी डाउट आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपको सभी स्टडी मटेरियल विथ फ्री ठीक है आपको मिल जाएगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इक्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर आपको हंड्रेड परसेंट चाहिए ही चाहिए तो आपको 80 प्लस होने बहुत यहाँ पर ज़रूरी है इन टेंथ आपको एटी प्लस है तो आपका सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट श्योर है इस बार ठीक है अगर आपको कोई क्वारी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा ठीक है फ्रेंड्स